नमस्कार दोस्तों, अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी दोस्तों एक भावुक चिट्ठी लिखी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोस्तों इस घटना को देखकर भावुक हो गए हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले की भूंगरा गैस त्रासदी में हुई 35 मौतों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखकर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि आग से इतने लोगों को खोने की हृदय विदारक पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ। उन्होंने चोटिल व्यक्तियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। जोधपुर बीजेपी देहात उत्तर के महामंत्री जसवंत सिंह इंदा ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी सांग सिंह के घर भेजी है। वहीं इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, एक अत्यंत दुखद दुर्घटना में आपके परिवार के सदस्यों के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है। इस मुश्किल घड़ी में मेरी संदेश संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। परिवार में एक साथ इतने लोगों को खोने की पीड़ा कितनी हृदय विदारक होगी, यह मैं समझ सकता हूँ। इस अपूर्णीय क्षति की व्यवस्था को शब्दों में नहीं जताया जा सकता। आपने जिन लोगों को इस त्रासदी में खोया है, उनसे जुड़ी स्मृतियाँ परिवार के साथ बनी रहेंगी। इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भगवान से प्रार्थना है कि वह आपको इन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने का धैर्य व संबल प्रदान करें। ओम शांति। वहीं साथियों बता दें, शेरगढ़ इलाके के भूंगरा गांव की गैस त्रासदी में झुलसे दूल्हे सुरेंद्र सिंह समेत सभी को दोस्तों अब सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल महात्मा गांधी अस्पताल में 7 मरीज भर्ती हैं। इस दुखांतिका में पीएम सहायता कोष से मृतकों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई है। 8 दिसंबर को हुई त्रासदी के पश्चात अब तक 35 मरीज दम तोड़ चुके हैं। वहीं 13 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। भगवान दोस्तों मृतकों की आत्मा को शांति दे। कमेंट बॉक्स में आप ओम शांति ओम अवश्य लिखें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।